आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्वादर शहर किस मुकाम पर वाके है और इसकी अहमियत पूरे वस्ती एशिया के लिए कितनी ज़रूरी है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में बहीरे अरब पर वाके है। ये गर्म पानी और गहरे समंदर की एक बंदरगाह है। ग्वादर बंदरगाह के बहीरे अरब के सिरे पर कराची के मगरब में तकरीबन 460 किलोमीटर की दूरी पर खलीज फारस वाके है। पाकिस्तान की सरहद के मशरक में 75 किलोमीटर दूरी पर ईरान और शुमाल मशरक में बहीरा अरब के पार 380 किलोमीटर की दूरी पर ओमान वाके है। ग्वादर बंदरगाह कलीदी मुकाम आब नाए हम्स के करीब वाके है, जो खलीजी रियासतों के तेल की बरामद का वाहिद बहरी रास्ता है। इसके अलावा ये ज़मीन अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतें जो तवानाई की दौलत से माला माल है उसके बेहद करीब है। ग्वादर बंदरगाह की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि ये समंदर के जिस हिस्से पर वाके है वहाँ का पानी गर्म है, जो कि दुनिया की बहुत ही कम बंदरगाहों की खसूसियत है। गर्म पानी वाले समंदरी रास्ते पर पूरा साल तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहती है। यूँ तिजारत और मुख्तलिफ अशिया को बरास्ता समंदर तसील करने में कोई मुश्किल नहीं आती, और इसके बरअक्स जो बंदरगाहें ठंडे पानी पर वाके हैं उन रियासतों के ज़रिए तिजारत करना मुश्किल होता है, बल्कि मुख्तलिफ मौसमों में तो नामुमकिन हो जाता है। साहली या समंदरी रास्ते ज़माना कदीम से तिजारती रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और जदीद तिजारत ने समंदरी रास्ते से तिजारत की ज़रूरत में मज़ीद इजाफा किया है। इन सब में पाकिस्तान एक गेटवे या अहम तिजारती दरवाजे की अहमियत रखता है। पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह की वजह से खित्ते में सब मुमालिक से ज्यादा अहम जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन का हामिल है। जनूबी एशिया मगरबी एशिया की रियासतों के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड तेल और गैस की पाइपलाइनों की तामीर, साहली तिजारत जैसी तिजारती और सनती सहूलतों से इस खित्ते के तमाम मुमालिक में माशी और सनती तरक्कियों के नए दौर का आगाज हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक अगर ग्वादर बंदरगाह के जरिए दुनिया के मुमालिक में तजारती लेन देन शुरू हो जाए और मुख्तलिफ मुमालिक अपनी अपनी करेंसी में लेन देन शुरू कर दें तो पाकिस्तान में डॉलर की कीमत काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और इसके अलावा बलोचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पसमानदा सूबा है, इसमें बहुत सारे मुकामी अफराद को रोजगार मिल जाएगा। बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान बल्कि मुल्क के दीगर इलाकों को बेहतरीन रोजगार के मौके फराहम होंगे। इस बंदरगाह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के दीगर मुमालिक मुस्तफीद हो सकते हैं, जिनमें चीन सर फहरिस्त है। चीन के दिफाई, तिजारती और इलाकाई मुफादात के लिए ग्वादर बंदरगाह बहुत अहमियत रखती है। चीन ने अब तक 198 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी से कोस्टल हाईवे तामीर किया है, जो ग्वादर बंदरगाह को कराची से मिलाता है। चीन इस बंदरगाह को सबसे ज्यादा अहम इसलिए भी समझता है क्योंकि चीन के पास गर्म पानियों की कोई भी बंदरगाह ताहाल मौजूद नहीं, जो तमाम साल तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त को जारी और सारी रखते हैं। ग्वादर बंदरगाह की एक और अहमियत यह भी है कि अगर अमेरिका आबनाए मलक्का को बंद भी कर दे तो पाकिस्तान और चीन के लिए बहीरा अरब का तिजारती रास्ता हमेशा के लिए खुला रहेगा। ग्वादर बंदरगाह के जरिए पाकिस्तान खलीज फारस में तेल की तरसील के लिए गुजरने वाले तमाम जहाजों की नकलो हमल को मॉनिटर कर सकता है। ग्वादर पोर्ट की मुखालफत, पाकिस्तान के मुताबिक कुछ अनासर इस बंदरगाह पर जारी काम की मुखालफत करते रहे हैं। इनमें कुछ मुमालिक के बारे में यह भी ख्याल किया जाता है कि वो इस बंदरगाह में तामीरात नहीं चाहते। पाकिस्तान के मुताबिक इन रियासतों में भारत, इसराइल और अमेरिका शामिल हैं, जो ग्वादर बंदरगाह के मुखालिफ रहे हैं। पाकिस्तान इस बंदरगाह को बनाना अपनी सबसे बड़ी जरूरत समझता है, लिहाजा तमाम खदशात को सामने रखते हुए
گوادر توانائی راہداری بنانا پاکستان کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ مختلف قسم کے حادثات اور دہشت گردانہ کاروائیوں سے اس بندرگاہ پر جاری کام اور عاملین کی حفاظت کے لیے مختلف فورسز بالخصوص فوج کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔